अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग की आमद आमद है और जैसे ही आमद आमद स्टार्ट हुई है तैयारियां भी स्टार्ट कर दी गई हैं और पाकिस्तान सुपर लीग का जो है इब्तदाई शेड्यूल निकल कर सामने आ रहा है। पहले काफी देर हो चुकी है लेकिन वो क्वाइटा पांचवा मैच की वजह से कुछ देर हो रही थी लेकिन वो भी अब क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो शेड्यूल है वो क्यों डिले हुआ था। वो इसीलिए डिले हुआ था कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के नजम सेठी उन्होंने ऐलान किया था कि क्वाइटा को भी ऐड किया जाएगा, उसी वजह से वो लेट हो गए। लेकिन अब क्वाइटा को नहीं ऐड किया गया, चार ही वेन्यू रखे गए हैं और पाकिस्तान सुपर लीग की जो है ओपनिंग सेरेमनी भी मुल्तान में ही हो गई। जो कराची में कह रहे थे वो रूमर्स है, सब गलत बातें थी। मुल्तान में ओपनिंग सेरेमनी होगी और चार के चार ही वेन्यू रहेंगे, पांचवा वेन्यू कोई नहीं होगा। पाकिस्तान सुपर लीग का जो शेड्यूल है इसलिए डिले हो गया था और अभी तक ये शेड्यूल ऑफिशियली तौर पे नहीं है। जो प्रोबेबलिस इब्तदाई शेड्यूल है वो निकल कर सामने आ रहा है हमारे पास, तो वो मैं आपको बताया था कि क्या शेड्यूल है, किसको सबसे ज्यादा मैचेस मिले हैं, किसको सबसे कम मिले हैं, कौन से शहर में कम मैचेस होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे ज्यादा मैचेस जो है रावलपिंडी को मिले हैं, आप स्क्रीन पे देखिए साथ साथ चेहरा होगा। पीएसएल का शेड्यूल 13 फरवरी से पीएसएल का स्टार्ट होगा, मुल्तान में पहला मैच खेला जाएगा मुल्तान और लाहौर के दरमियान, 14 फरवरी को कराची में खेला जाएगा कराची और पिशावर के दरमियान। पांच पांच होम मैचेस खेले गए कराची और मुल्तान, क्योंकि पीएसएल का जो स्टार्ट है मुल्तान से और कराची से ही होगा और इख्तिताम जो है वो लाहौर और रावलपिंडी पे होगा, इसलिए पांच पांच मैचेस जो है मुल्तान और कराची अपने होम पे खेलेंगे। 15 तारीख को खेला जाएगा दोस्तों मुल्तान और क्वेटा का, कराची 16 को खेला जाएगा कराची और इस्लामाबाद का, 17 को मुल्तान और पिशावर का मुल्तान में, 18 को कराची और क्वेटा का कराची में, 19 को मुल्तान और इस्लामाबाद का मुल्तान में, 19 को कराची का और लाहौर का कराची में, डबल हैडर है 19 फरवरी को डबल हैडर है, 20 को कराची में क्वेटा और लाहौर का, 21 को क्वेटा और पिशावर का है, उसके बाद 22 को पिशावर और इस्लामाबाद का कराची में खेला जाएगा, 23 को मुल्तान में मुल्तान और कराची का खेला जाएगा, 24 को क्वेटा और इस्लामाबाद का कराची में, 26 को कराची और मुल्तान का कराची में, उसके बाद लाहौर की बारी आ जाएगी, मैच लाहौर में स्टार्ट हो जाएगा लाहौर और पिशावर का, 26 को लाहौर में, 27 को लाहौर और इस्लामाबाद का, वो भी लाहौर में, उसके बाद पिशावर और कराची का होगा रावलपिंडी में 27 फरवरी को, फिर 1 मार्च को लाहौर और क्वेटा का, फिर 2 मार्च को इस्लामाबाद और कराची का रावलपिंडी में, 3 मार्च को लाहौर में लाहौर और मुल्तान का, उसके बाद इस्लामाबाद का जो है क्वेटा के साथ होगा रावलपिंडी में, 4 मार्च को रावलपिंडी को सबसे ज्यादा मैचेस दिए गए 11 मैचेस दिए गए हैं, उसके बाद इस्लामाबाद लाहौर को होगा रावलपिंडी में 8 मार्च को, उसके बाद 9 मार्च को पिशावर धर्मी और मुल्तान सुल्तान का खेला जाएगा रावलपिंडी में ही, फिर क्वेटा और मुल्तान का 10 मार्च को होगा रावलपिंडी में, 11 मार्च को होगा रावलपिंडी में इस्लामाबाद और पिशावर धर्मी का, 12 मार्च को होगा लाहौर में लाहौर और कराची का बड़ा टाकरा, 15 मार्च को जो है प्लेऑफ्स होगा, फिर 16 मार्च को प्लेऑफ्स होगा, फिर 19 मार्च को जो है लाहौर में फाइनल खेला जाएगा। ये है पाकिस्तान सुपर लीग का जो शेड्यूल निकलकर सामने आ रहा है, इब्तदाई शेड्यूल है जो कन्फर्म शेड्यूल अभी तक पीसीबी में से नहीं आया, लेकिन जो ये शेड्यूल आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन यही शेड्यूल होने वाला है। क्वेटा को मैचेस नहीं मिले अभी, मुमकिन नहीं है, क्वेटा में वैसे भी बर्फबारी हो रही है तो इस मौसम में क्वेटा मैचेस मुश्किल है, अभी काम भी हो रहा है, हो सकता है कि प्रैक्टिस मैच करवा दिया जाए या क्वेटा और पिशावर के दरमियान एक नुमाइशी मैच करवा दिया, वैसे क्वेटा और पीएसएल का मैच नहीं मिला, ये चार सिटीज को मिला। ओपनिंग सेरेमनी भी मुल्तान से शुरू होगी, बाकी सब रूमर्स है कि कराची से शुरू होने वाली है। सबसे ज्यादा मैचेस मिले हैं रावलपिंडी को, पांच पांच मैचेस जो मुल्तान और कराची अपने होम में खेलेंगे, सबसे पहले जैसे ही पीएसएल स्टार्ट होगा, उसके बाद डिफेंडिंग चैंपियन जो है लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होगा।